हो गई है एक नए खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। फिलहाल मैं हूँ गुलाब राय में और पार्लर के बाहर से ममता की शादी है, आपको पता ही है, दो दिन बाद कल मेहंदी है, तो आज वो पार्लर आई है फेशियल वगैरह कराने के लिए, तो मैं भी उसके साथ में हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी खुशबू आती है। अभी भी आप कभी अगर आसपास के हैं गुलाब राय से गुजरो तो यहाँ पे एक बेकरी है, वहाँ पे क्रीम रोल वगैरह बंद बिस्किट वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे कभी भी गुजरो ना तो उसी की खुशबू आती है, परमानेंट आती रहती है। ये देखो ये चुनरी है यार, इसको हटाऊंगी ना, इसको पहनना है कि नहीं पहनना? नहीं पहनना, इस वाले को नहीं पहनना, इसको पहन के रखना, ये अच्छा लग रहा है। कानों के बहुत भारी है यार, बहुत लंबे टाइम तक कैसे पहनेंगे इसको? लंबे टाइम थोड़े होता है, उसके बाद हाँ उसके बाद ओरिजिनल पहनते। कौन आएगा? तो यहाँ पे ममता की वैक्सिंग चल रही है, फेशियल वगैरह, अभी तो चेहरे पे ग्लो नहीं है। इसको दे दो आप रेंट पे, दो चार लोग तो ले ही जाएंगे। आजकल यही वाले चले हुए हैं, सौभाग्यवती वाली चुन्नियाँ, मतलब आजकल लोग लहंगे के साथ दो दो चुन्नियाँ पहन रहे हैं, तो जो सर में रख रहे हैं उस पर सौभाग्यवती लिखा हुआ है। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे तिलवाड़ा में और शादी की शॉपिंग आपको पता ही है कि लास्ट दम तक भी ऐसा होता है कि अभी बहुत सारी चीजें रह गई है, तो मैं और ममता लगे हुए हैं। ममता तो मेरे रुद्रप्रयाग में है, अभी हम लोगों ने दो चार चक्कर काट लिए हैं। और यहाँ पर भी आई मैं एक पार्लर में, हमको एक चुन्नी लेनी थी, मतलब किसी काम के लिए एक एक्स्ट्रा चुन्नी चाहिए, तो यहाँ पर मैं संगम ब्यूटी पार्लर में हूँ। कह रहे हैं कि अभी नया ही खुला है, कहीं भी जाऊँ मैं गजरा देख के खुश हो जाती हूँ, लेकिन गजरा लगाने लायक ना मेरे बाल हैं और ना मैं जूड़ा बना पाती हूँ, तो फ़ायदा नहीं है गजरा ले जाके, वरना मुझे गजरा बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ही टाइम में करवा चौथ भी आने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रखी है करवा चौथ से संबंधित। फोटो में तो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ सामने अच्छा लग रहा है। हम लोग हैं अभी ममता ब्यूटी पार्लर में और यहाँ पर नए नए लहंगे आ रखे, पहले भी मैं यहाँ पे आई थी, फोटो में दिखते ही नहीं है लहंगे अच्छे, पता नहीं क्यों, और सामने देखो तो अलग ही चमक होती है उनकी। देखो ये इतना अच्छा है सामने, उतना तो लग भी नहीं रहा है यार फोटो में। उस दिन मैं यहीं पे आई थी ना, तो मैंने पहने थे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा ये अभी आ रहे हैं कुछ देर पहले? अच्छा, तो आप इसी को लेने तो गए थे उधर ना चंडीगढ़ कुछ देर पहले? ये देखिए ये बहुत बारीक काम इन लहंगों पे हो रखा है, बहुत ज़्यादा, और फ़ोन में तो लगते भी नहीं है, पता नहीं क्यों चमक नहीं आती है। हम लोगों ने फ़ोन में ही देखा था इनको ना। भाई ये बहुत प्यारा है इसका डिज़ाइन। हाँ तो मैं बोल रही थी कि हमें एक एक्स्ट्रा चुन्नी चाहिए जो हम उसके साथ रखें, मतलब किसी चीज़ के साथ को रखने के लिए, तो एक्स्ट्रा चुन्नियाँ भी मिल जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लहंगे देख के मेरा मन बड़ा मोहित हो गया है। ये देखिए कैसा लग रहा है लहंगा मेरे पे। अरे यार घेर के लिए जगह नहीं हो रही ना, रुक जाओ। हाँ ये वही वाला लहंगा है जो अभी तक मैंने पहना था, बहुत ज्यादा चमक है इसमें, और कैमरा इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा घेर है ना। हाँ बहुत प्यारा है। आजकल लोग दो चुन्नियाँ यूज़ कर रहे हैं, एक वॉलवेट वाली, वॉलवेट ही कहते होंगे शायद, मैं पहली बार सुन रही हूँ, ये रख रहे हैं और हल्की चुन्नी सर में रख रहे हैं, तो हमको सर में रखने के लिए चाहिए। किसमें से? यू बैग अगेन? मेरा बैग भी घुसाओ घुसाओ, छोटे मोटे सामान बाकी हाथ बताओ ले लो यार। अच्छा दुल्हन को बैठा दुल्हन, मैं बैठूंगी खिड़की पे, खिड़की पे मैं बैठूंगी। बैठो बैठो, चलो 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 चलो, नाक धर कुट नाक धर कुट, बैठो बैठो। तो पूरा दिन भटकने के बाद निकल चुके हैं अब हम लोग फाइनली, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, फेशियल कराने का कोई फायदा नहीं हुआ, सुबह करा दिया था और दिन भर भटक रहे हैं तब से। तो बोलो चंडी का माता की जय। इनको ऐसे ऐसे रखो, यहाँ लड्डू इसमें है और हमने भरने उसमें। हाँ फिर डब्बे में रखेंगे ना भर के। शादी की शॉपिंग आखिरी दम तक होती है और आप देखिए कैसे हम लोग कैसे बैठे हुए, इतना सारा सामान है हमारे।
कोने कोई उस कोने अपने अपने कामों पे लगे हुए थे। फाइनली 3 बजे जा रहे हैं हम लोग इतने ज्यादा सामान के साथ। अभी यहाँ पे ताई जी छाछ छोड़ रही हैं, जो कि सुबह उनको टाइम मिला नहीं तो अभी रात को वो कर रही हैं। और ये घी बनाने की प्रक्रिया होती है ना, तुम बता कुछ। और इस तरह से छाछ छोड़ी जाती है, पहले तो अंदर पे कुछ व्यवस्थाएं होती थी। और तुम भेर मुका ना के लिए अच्छा शौकीन है इस सब चीजों के। अच्छा अंदर उतनी जगह है नहीं, ठीक ठीक ना, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे दीदी जी लोग सब्जी बना रहे हैं आज रात के लिए। क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा रोटी बनने की तैयारी होगी। रोटी बन गई, ओ देखो तो यहाँ पे सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है। मैं बहुत टाइम बाद ऐसा देख रही हूँ कि चूल्हे पे रोटी बन रही है। वैसे मैंने घर में देखा था, जरा खीरे खिला दे। बता दीदी यहाँ पे दाल बना रही है, कौन सी दाल बन रही है? ये बन रही है मूंगी मसूरी की दाल। वाह आज चूल्हे की रोटी खाने को मिलेगी, वैसे शादी में मिली थी, अब कल मेहंदी है, कल और भी ज्यादा मजा आएगा। दूसरी दिखाओ। तो बाहर कीर्तन हो चुका है शुरू और यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ। यहाँ पे एक लड़की आई है, इधर आओ। और ये आ गई हमारी दुल्हन बाहर। अभी तो आज मेहंदी नहीं है, आज सिर्फ कीर्तन है, मेहंदी है कल। चलो जाओ जाओ, मेहंदी कल है लेकिन आज हो रहा है कीर्तन। बाहर कीर्तन किया जा रहा है और दुल्हन यहाँ पे सो रखी है। बताओ दुल्हन ऐसे सो रखी है यहाँ पे, लोगों की फट रखी है कि लोग कीर्तन कर रहे हैं, खुशी में शामिल हो रहे हैं। और दुल्हन के भाई भी यहाँ पे सो रखे हैं और अब दुल्हन की दोस्त भी सो जाएगी। लोग बेचारे इतने दूर से आ रखे हैं अंधेरे में, बेचारे 12 बजे तक कीर्तन कर रहे हैं और हम लोगों के मजे आ रहे हैं, हम सो रखे हैं। चलिए फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। और आज मेहंदी नहीं है, मतलब क्या हुआ कि आज मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी भी दिन आप कीर्तन कर सकते हैं, तो मेहंदी कल है। और फिर आपको मेहंदी के प्रॉपर ब्लॉग मिलेंगे, शादी के मिलेंगे। तो समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।